हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज़ सिमरन. सो गाइज, आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट वेडिंग मस्ट हैव्स. आई हैव फाइव पीसेज फॉर यू जो कि यू नो स्टेपल पीसेज हैं. ये मैंने कुछ ऐसा चूज़ नहीं किया है कि आप इन्हें एक ही बार यूज़ कर सकते हो या फिर ये कुछ ऐसा है कि स्पेसिफिक बस एक ही चीज़ के साथ चलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर ऑल वर्सटाइल पीसेज और ये आपकी किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी यू नो जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं लुक, उसमें जा सकता है. एंड ऑल ऑफ दीज आर लाइक योर स्टेपल. दिस शुड बी योर वेडिंग मस्ट हैव्स. अगर आप अपनी वेडिंग का रोसो बना रहे हो, डू ट्राई दीज आउट. आपको बहुत हेल्प करेंगे बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी लाइक द बेसिक्स इन योर वार्डरोब और आपके ट्रोसो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो नाउ. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना बी मेंशनिंग इन दिस वीडियो इज अ पेयर ऑफ रिंग जो कि मैंने अमेजोन से लिया है एंड इट इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड जवेरी पर्ल्स. जवेरी पर्ल्स की ज्वेलरी मैंने पहले भी अपने चैनल पर दिखाई है. इट्स ऑलवेज अफोर्डेबल एंड ट्रेंडी, सो इसलिए मैंने ये वाला जो रिंग है वो चूज किया. बेसिकली दीज आर एडी रिंग्स और एडी रिंग्स आप किसी भी आउटफिट, किसी भी तरीके की ज्वेलरी के साथ, किसी भी फैब्रिक के साथ पहन सकते हो. आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो आई हैव दिस एंड ये मुझे बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल गई जवेरी पर्ल से. बिकॉज बाहर अगर आप खरीदने जाओ तो 400 रुपए की लगभग एक ये लोग देते हैं, 400-500 रुपए की. बट आई गॉट दिस पेयर फॉर रियली अफोर्डेबल प्राइस. ये दो रिंग का सेट है. सो दिस इज द फर्स्ट रिंग जो कि आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. मतलब बेसिकली अगर आप नॉर्मल यू नो न्यूली वेड्स हो तो आपको कोई रिंग चाहिए जो कि आपके यू नो सूट्स वगैरह पे भी चल जाए, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन वेयर. और इसमें ये एडी का डिजाइन है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है हाथ में पहनने के बाद. इट गिव्स यू वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी वाइब. और इस तरीके के रिंग्स आपको यू नो काफी लंबे समय तक काम आते हैं. इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड स्टिल यू कैन बाय दिस पेयर बिकॉज ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स पे आराम से चल जाएगा. आपको किसी वेडिंग में जाना है, पार्टी में जाना है, आप आराम से वाले रिंग्स पहनकर जा सकते हो. सेकंड डिजाइन इज एक्चुअली माई फेवरेट. इट लुक्स सो सटल, सो ब्यूटिफुल. लुक हाउ गॉर्जियस दिस रिंग लुक्स. और ये बहुत ज्यादा प्यारी लगती है हाथ में पहनने के बाद. इट इंस्टेंटली चेंजेस द होल लुक ऑफ योर हैंड. एंड ये वाली मुझे काफी पसंद आई. स्पेशली इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा उभार में है, थोड़ा 3D जैसा लगता है. सो दिस इज समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू शुड ट्राई दिस आउट. तो ये बहुत ज्यादा प्यारी लगती है पहनने के बाद. सो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके रिंग्स थोड़े लंबे टाइम चले, जो इस तरीके की ज्वेलरी होती है, तो आप इन्हें पहनने के बाद कॉटन में रख के किसी प्लास्टिक बॉक्स में रख दीजिए जो थोड़ा एयर टाइट हो, तो उससे इनका कलर नहीं जाएगा, स्पेशली बरसात के मौसम में. और पानी में इन्हें यूज ना करें बिकॉज उससे कलर जाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. मूविंग ऑन टू अनदर पीस, इट्स समथिंग दैट आई डेफिनेटली रिकमेंड यू बिकॉज मैंने बहुत सारे मूवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स को देखा है ये चीज़ पहने हुए एंड दे ऑलवेज कैरी दिस विद देयर इंडियन वेयर. तो इसलिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी. मैंने भी पहली बार ऑर्डर किया है. आई वॉन्टेड टू ट्राई दीज एंड ये है ब्रांड रोशिया एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन. तो मैंने ऑर्डर की हैं ये कोल्हापुरी वेजीज. आपने आलिया भट्ट को भी देखा होगा, वो सूट्स पे, लहंगों पे इन्हीं को पहनती हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली चूड़ीदार्स पे. तो दिस इज दिस ब्यूटिफुल पेयर एंड ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, गोल्डन कलर है, तो आपके किसी भी आउटफिट पे चलने में से बहुत आसानी होगी. एंड दे आर कम्फर्टेबल एट द सेम टाइम. तो ये बहुत आसानी होती है इस तरीके की वेजीज में चलने में, आपको बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगता. एंड इफ यू आर गेटिंग मैरिड तो आपके हर एक आउटफिट पर चल जाएगी. डोंट हैव टू बाई सेपरेट सैंडल्स और सेपरेट जुत्तीज फॉर योर एनी आउटफिट. तो ये एक ऐसा कलर है जो कि सब पर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्लासी लुक देती है. स्पेशली इसका फ्रंट सेक्शन बहुत अच्छा लगता है. फिल्म एक्ट्रेस को देखेंगे तो उनके जो फ्रंट सेक्शन होता है वो भी काफी हील में होता है, बट मैंने थोड़ा बेसिक मंगाया बिकॉज मुझे इतनी हील्स की आदत नहीं है. एंड आई रियली लाइक दिस पीस. यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ शॉट. ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब भी आप इन्हें पहनते हैं और बहुत क्लासी लुक आता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटी इज रियली नाइस. अच्छे से बनाकर दिए हैं इन लोगों ने, मुझे बिल्कुल भी इतनी सी कमी नहीं लगी. इसमें जो फॉर्म है नीचे वो भी काफी कंफर्टेबल है, तो चलने में यू नो बहुत ईज रहता है आपको इसमें. मूविंग ऑन टू वन मोर बेसिक थिंग कि बहुत सारी कुर्ती होती हैं, सूट होते हैं, जिनके लिए समझ नहीं आता क्या पहने. सो आई हैव दिस रियली गॉर्जियस पैंट फॉर यू. दिस इज अ सिगरेट पैंट और इसका फिट काफी अच्छा आता है नीचे से और ये काफी शाइनी मटेरियल है एज यू गाइस कैन सी. तो बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद. साथ ही साथ इट इज़ सो मच ईजी टू जस्ट यू नो मैच इट अप विद एनी थिंग. एंड दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड जूनिपर इन द साइज स्मॉल. तो इसमें बैक में इलास्टिक दिया है इन लोगों ने और फ्रंट बिल्कुल बेसिक है. इसके अंदर यू नो कोई पॉकेट्स नहीं है बट स्टिल इट लुक्स गुड. और इसमें साइड में इन्होंने यहाँ पर चेन दी है सो इट फिट्स सो परफेक्टली. और नीचे इसमें छोटा सा कटआउट है. तो ये आपका जो पैंट है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, साथ ही साथ आप किसी भी कपड़े के साथ इसको यू नो मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो. सो दिस इज़ लाइक अ स्टेपल पीस. अगर आपकी शादी नहीं भी होने वाली है, स्टिल यू हैव टू बाई दिस. मतलब यू शुड बाई दिस एक्चुअली, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आ जाए. और एक अच्छा गोल्डन पैंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दिस इज़ अफोर्डेबल एज वेल एज इट लुक्स सो गुड. मूविंग ऑन टू अनदर पीस, इट इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड शाइनिंग डीवा. इनके पहले भी मैं चीज़ें आपको दिखा चुकी हूँ. तो ये मैंने बैंगल का सब्सटीट्यूट ऑर्डर किया है. जब आप इसे पहनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब किसी और को पता नहीं चलेगा कि आपने बैंगल पहना हुआ है या फिर ब्रेसलेट पहना हुआ है. जस्ट
टाइट इट अप अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, तो कुछ इस तरीके का लगता है ये देखने में। और ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे गोल्डन बैंगल्स पहने हुए और वो एक जगह रहते हैं। बैंगल्स का क्या है, वो इधर उधर खिसकते रहते हैं हाथ ऊपर नीचे करने पे, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। आप इसके साथ चाहो तो यहाँ पर कड़ा लगा कर भी पहन सकते हो, ये बहुत अच्छा लगेगा एंड इट गिव्स यू दैट गोल्डन बैंगल वाइब। तो ये एक ऐसा पीस मिला मुझे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड ये आपके बहुत काम आएगा। बहुत सारे आउटफिट्स होते हैं, डोंट वॉन्ट टू वेयर बैंगल्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बैंगल्स पहनना पसंद नहीं होता, तो उनके लिए भी अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ इट्स वेरी वर्सटाइल पीस, तो ये भी आपके बहुत सारे आउटफिट से मैच हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी कि मुझे हाथ में क्या पहनना है, जस्ट सिंपली वेयर दिस एंड यू आर फ्री टू मूव। तो आज की वीडियो का लास्ट पीस है ये एक बहुत ही खूबसूरत सी बेल्ट एंड ये बहुत यू नो बिल्कुल एथनिक बेल्ट है, यू कैन जस्ट वेयर इट ऑन योर इंडियन वेयर। और इसमें ना पीछे इन लोगों ने टाई दी गई है बिल्कुल बेसिक सी, आप इसको पहन के सिंपली बांध सकते हो। और ये आपकी साड़ीज पे, सूट्स पे, जैसे कोई सूट है वो ढीला है यहाँ से तो उस पर बांध लो, कोई साड़ी है आपको स्टाइल करना है यहाँ पे आप इसे पहन सकते हो, लहंगे के दुपट्टे पे आप इसे ले सकते हो। तो इस तरीके की बेल्ट यू नो काफ़ी अच्छी लगती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सिंपल लेस है, बट यू नो ये लगने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। लुक हाउ गॉर्जियस दिस लुक्स एंड मुझे तो ये बहुत पसंद आई। सबसे अच्छी बात है गोल्डन कलर है, बेसिक डिज़ाइन है, तो किसी भी साड़ी, किसी भी सूट, किसी भी लहंगे पे बहुत आराम से चल जाएगी, आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी मैच करूँ। तो इस तरीके की एक बेसिक बेल्ट आप ले सकते हो क्योंकि आजकल बेल्ट्स ट्रेंड में भी हैं और वो अच्छी भी लगती है देखने में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि सारे पीसेज आपको अच्छे लगे हों। इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, गो चेक इट आउट। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट वन।